सीतापुर के हर गांव विगत 53 दिन से क्षेत्र के शेखापुर मुसेपुर गांव के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता अजय भार्गव के बारे में पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक सुराग न लगा पाने के कारण जहां पीड़ित परिवार व ग्रामवासी 45 दिनों से जिला मुख्यालय पर अनशन पर बैठे हैं, वहीं उनके समर्थन में कई राजनीतिक पार्टियां व सामाजिक संगठन सहयोग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ जी जान से जुटी हुई है। इस क्रम में क्षेत्र के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने जहां धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का मनोबल बढ़ाया, वहीं पुलिस अधीक्षक के आपत्तिजनक व्यवहार पर भी उंगली उठाई। केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पैतालीस दिन तक धरना चलते रहे तो क्या ये लोग सोचते हैं कि मैं आराम से ऐसी कमरे में लेकर आऊं? जिस जनता ने मुझे संसद तक पहुंचाया, मंत्री बनाया था, कि मैं गोपीवा में हो और आराम फरमाते रहे। खाकी वर्दियां, अरे इनका काम है इन दोषियों को पकड़ के लाओ, इन गरीब दलितों की आवाज बंद करने में खड़ो या तुम लोगों का काम क्या है? पहचानो उनको सलाखों के पीछे और सजा दिलवाओ। जो अपराध करते हैं कोई हो, किसी जात, किसी धर्म, किसी पार्टी, कोई रसूखदार हो, जो गुनहगार हो उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। ये काम होता है पुलिस का। पता नहीं लगा पाए जो 53 दिन से गायब, पुलिस का कुछ पता नहीं लगा पाए, अपराधी खुले छुपे घूम रहे। और आज मैं यहाँ स्थान पर आया हूँ जहाँ अजय भार्गव नाम के व्यक्ति गांव उन लोगों से मिलने, जो जनता पीड़ित है आप देख सकते हैं, एक आह्वान पे ये जनता बरसात के मौसम पे यहाँ डटी, इनका दर्द और ये आंदोलन मैं आगे तक ले जाऊँगा, लखनऊ और दिल्ली तक, चाहे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हों उनसे तो वार्ता करूंगा कि यहाँ की पुलिस की क्या विफलता रही है। और अजय भार्गव दलित परिवार का व्यक्ति, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा क्योंकि वो गरीब। और आगे आगे आप देखिए कि मैं इस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास और पूरा सामर्थ्य लगाऊंगा ताकि अजय भार्गव नाम व्यक्ति को न्याय मिले, उसके परिवार को, जिसकी माँ और पत्नी वहाँ सीतापुर जिले में घर बार छोड़ के बैठी है 45 दिन से। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और इससे शर्म की बात हम लोगों के लिए हो नहीं सकती।